मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि अगर हेड टू हेड मैच खेलना है तो 2 मेंबर 3 मेंबर में ही लगाओ, लेकिन आज जो है मैं बताऊंगा 2 मेंबर 3 मेंबर में नहीं, आज 4 मेंबर में लगाओ। रीजन मैं बता दूंगा। तो ये 4 मेंबर में क्यों आज बोलूंगा खेलने के लिए, और 4 मेंबर में अल्ट्रा क्लीन स्वीप भी होगा। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। तो चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत करता हूँ आपका ही चैनल फैंटेसी विनर पर। आज जो हम लोग बात करने वाले इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का जो सेकेंड T20I मैच खेला जाएगा उसके बारे में। लास्ट मैच पर हम लोगों ने जो भी प्रिडिक्शन दिया था जबरदस्त गया था, आज भी कोशिश करेंगे कुछ इसी प्रकार प्रिडिक्शन देने का। तो चलो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे हम लोग पहले साउथ अफ्रीका की तरफ से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडिया की तरफ से, और उससे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे जो वेन्यू होने वाला है, पिच रिपोर्ट जो होने वाला है, स्कोर कितना बनने वाला है, इस चीज़ों के ऊपर। तो चलो अभी हम लोग इतना बात कर लेते हैं। वेन्यू जो होने वाला है ब्रावती स्टेडियम पर यह मैच खेला जाने वाला है, जो कि कटक के उड़ीसा स्टेट में मौजूद है। कटक में ये वेन्यू जो होने वाला है ब्रावती स्टेडियम कटक उड़ीसा पर यह मैच खेला जाने वाला है। एवरेज स्कोर की अगर बात करेंगे तो 139 से लेकर 149 के आसपास यहाँ पर स्कोर बनता है। इससे ज़्यादा तो कुछ ज़्यादा नहीं बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 150 ऐसा ही बनेगा। पिच रिपोर्ट की अगर पिच बिहेवियर की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है बॉलिंग पिच होगा, बोल कर ही इतना एवरेज बनता है। तो ये जो पिच रहेगा बॉलिंग पिच रहेगा, पेस अगर विकेट कौन ज़्यादा लेता है इस पिच पर अगर बात करेंगे, फर्स्ट गेंदबाज ने लिया है 64 विकेट लास्ट 10 मैचों में, और स्पिनर ने लिया है 42 विकेट लास्ट 10 मैचों के अंदर। तो आप एवरेज अगर निकाल लो तो स्पिनर को एक मैच का 4 विकेट और पेसर को एक मैच का 6 या 7 विकेट पकड़ सकते हो, है ना। अभी हम लोग बात करेंगे कि बैटिंग फर्स्ट ने इस पिच पर कितना टाइम विन किया और बॉलिंग फर्स्ट ने कितना टाइम विन किया। बैटिंग फर्स्ट ने भाई इस पिच पर 33% टाइम विन किया है, कहाँ पर, ब्रावती स्टेडियम पर, ये चीज़ ध्यान देना। बैटिंग फर्स्ट ने विन किया है 33% टाइम और बॉलिंग फर्स्ट ने विन किया है 67% टाइम। तो कहीं ना कहीं भाई जो लोग बॉलिंग करेगा उन लोगों का जीतने का चांसेस कहीं ना कहीं 70% ज़्यादा यहाँ पर मिल जाता है, अगर जो लोग पहले बॉलिंग करेगा उन लोगों का। तो चलो अभी हम लोग स्क्वाड के ऊपर ध्यान देते हैं। ओपनिंग करते हुए पहले आपको देखने को मिल जाएगा कॉइन डिकॉक, जिसके स्टार्स देखेंगे तो 6 एंड 22। टी बाबू माँ की अगर बात करेंगे तो लास्ट मैचों में 10 रन किया था, उससे पहले मैचों में 47, जो कि अलग टीमों के साथ था। भेंडर दूसन की अगर बात करेंगे तो 12-75। भेंडर दूसन एक बहुत ही अच्छा खासा क्लासिकल बैट्समैन है, मैं बता रहा हूँ भेंडर दूसन क्लासिकल बैट्समैन है। ज़रूर से ज़रूर भेंडर दूसन को ड्रीम टीम पर यानी कि ग्रैंड लीग पर कैप्टन वाइस कैप्टन से प्रेफर कर सकते हो। डेविड मिलर की अगर बात करेंगे तो 32-64। डेविड मिलर भी एक बहुत ही अच्छा खासा एज ए चेजिंग के मामले में बहुत बढ़िया है। अगर पहले बैटिंग करता है तो डेविड मिलर को लेना उतना खास इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, लेकिन अगर चेजिंग होता है तो डेविड मिलर एक बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंसर रहने वाला है। डी प्रिटोरियस की अगर बात करूंगा तो 13 के साथ 1 विकेट, 29 के साथ 1 विकेट। हालांकि लास्ट मैच पर क्या किया था, ऑन डाउन पर बैटिंग पर आया था, इसका मतलब ये नहीं कि डी प्रिटोरियस फिर से ऑन डाउन पर आ जाएगा, ये चीज़ ध्यान देना। टी स्टूप्स की अगर बात करेंगे तो 0-2। पर्नेल की अगर बात करेंगे तो 2 विकेट 1 विकेट। फिर आप यहाँ पर महाराज की अगर बात करेंगे तो 3 विकेट 1 विकेट। महाराज एक बहुत ही अच्छा खासा स्पिनर है, ये चीज़ ध्यान देना। टी शमसी की अगर बात करेंगे तो 2 विकेट 0 विकेट। किसा गोराबाड़ा की अगर बात करेंगे तो 1 विकेट 0 विकेट। नूर जी की अगर बात करेंगे तो 1 विकेट 1 विकेट। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट होने वाला है, डेथ पर बॉलिंग करना आएगा नूर जी, एंड यहाँ से आएगा डी प्रिटोरियस, यानी कि नूर जी एंड डी प्रिटोरियस डेथ पर बॉलिंग पर आएगा, और ओपनिंग पर बॉलिंग करेगा राबाड़ा और आई होप सो पर्नेल। ठीक है, पर्नेल एंड राबाड़ा ओपनिंग पर बॉलिंग कर सकता है। पर्नेल शायद 2-3 ओवर डालेगा, लेकिन राबाड़ा 4 ओवर डालेगा, नोरजी 4 ओवर, प्रिटोरियस 4 ओवर, कितना हो गया 12 ओवर। और यहाँ से आपको देखने को मिल जाए शमसी 2 4 ओवर, महाराज 4 ओवर। तो यहाँ में से किसी एक का, महाराज का 1 ओवर और शमसी का 1 ओवर कट के पर्नेल को दे सकता है, ये चीज़ ध्यान देना। आगे हम लोग इंडिया की तरफ से बात कर लेंगे, और इंडिया की तरफ से हम लोग देख लेंगे कौन सा प्लेयर इंपॉर्टेंस होने वाला है। ऋतुराज गायकोट की अगर बात करेंगे तो 2 और 23, लास्ट मैच पे 23 रन का पारी खेला था। ऋतुराज गायकोट एक बहुत ही अच्छा खासा इंपॉर्टेंस रहेगा, लेकिन ये जो पिच है बॉलिंग फेवर जाने की वजह से ऋतुराज गायकोट को हम लोग ड्रॉप करके चलेंगे। थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस भी रह जाएगा, थोड़ा बहुत 40 40 रन तक तो मार ही जाएगा ऋतुराज गायकोट नेक्स्ट मैच पर।
ईशान किशन की अगर बात करेंगे तो 48-76। ईशान किशन मेरा ख्याल से फ्लॉप जाने वाला है कल का मैच पर, तो ईशान किशन को ड्रॉप जरूर से जरूर कर देना। श्रेयस अय्यर की अगर बात करेंगे तो 50-36, ऋषभ पंत 39-29, हार्दिक पांड्या 34 के साथ 3 विकेट, 31 के साथ 0 विकेट। हार्दिक पांड्या एक बहुत ही अच्छा खासा इंपॉर्टेंसी पिक बनने वाला है नेक्स्ट मैच के लिए, ये चीज़ ध्यान देना। दिनेश कार्तिक की अगर बात करूँगा तो 6-1, दिनेश कार्तिक फ्लॉप जाने वाला है, जरूर से जरूर ड्रॉप करके चलो। अक्षर पटेल की अगर बात करेंगे तो 19 के साथ 0 विकेट, 0 के साथ 1 विकेट। अक्षर पटेल एक बहुत ही अच्छा खासा इंपॉर्टेंस होने वाला है नेक्स्ट मैच के लिए। यहाँ पर ये जो चार बॉलिंग है ना, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग घुमा हुआ है, मैं बता देता हूँ। हर्षल पटेल 0-1, 1 विकेट। हर्षल पटेल को लास्ट मैच पर ओपनिंग पर बॉलिंग डलवाया था, जो कि नेक्स्ट मैच पर नहीं होने वाला है। भुवनेश्वर कुमार 0-1, 2 विकेट। भुवनेश्वर कुमार जो है डेथ पर आया था, लेकिन भुवनेश्वर कुमार जाएगा ओपनिंग पर और हर्षल पटेल आएगा डेथ पर, यानी कि डेथ बॉलर कौन बनने वाला है, हर्षल पटेल बनने वाला है। युवेंद्र चहल की अगर बात करेंगे तो 1 विकेट 0 विकेट। आवेश खान की अगर बात करेंगे तो 0 विकेट 1 विकेट। आवेश खान एंड हर्षल पटेल ये दो डेथ पर आने वाला है, साथ में शायद हार्दिक पांड्या भी एक आध ओवर डाल लेगा, लेकिन भुवनेश्वर कुमार ओपनिंग पर बॉलिंग डलवाएगा, ये चीज़ ध्यान देना। भुवनेश्वर कुमार क्या करेगा, ओपनिंग पर बॉलिंग डलवाएगा। तो चलो अभी हम लोग टीम प्रिडिक्शन की तरफ पढ़ते हैं, जो हम लोगों का टीम बनने वाला है। हम लोग टीम कैसे रेडी करेंगे, टोटल हम लोग चार टीम रेडी करेंगे, टोटल चार टीम रेडी करेंगे, जिसमें से तीन होगा ग्रैंड लीग और एक होगा स्मॉल लीग। स्मॉल लीग का जो टीम होगा वो पहले बताएंगे, और स्मॉल लीग का टीम को भी आप ग्रैंड लीग पर ट्राई कर सकते हो, ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। ये होगा अपना विकेट कीपर, बैटिंग सेक्शन, ऑलराउंडर सेक्शन एंड बॉलिंग सेक्शन। तो चलो अभी हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको इंट्रो में ही पता चल गया था कि आज का जो स्मॉल लीग का टीम होगा उसको आप चार मेंबर में आसानी से यूज कर सकते हो और चार मेंबर के कॉन्टेस्ट पर भी लगा सकते हो। तो चलो हम लोग पहले स्मॉल लीग का टीम रेडी कर लेते हैं। स्मॉल लीग का टीम पर हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट हम लोगों का पिक रहेगा क्वाइन डिकॉक, ठीक है, फर्स्ट पिक हम लोगों का क्वाइन डिकॉक। दूसरा पिक हम लोग करेंगे विकेट कीपिंग सेक्शन में से, अभी के लिए छोड़ेंगे विकेट कीपिंग सेक्शन, लेकिन अभी के लिए अभी हम लोग बैटिंग सेक्शन रेडी करेंगे। बैटिंग पर कौन कौन है, ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, तीन ऑप्शन है। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ श्रेयस अय्यर एंड ऋतुराज गायकवाड़ को रखेंगे, श्रेयस अय्यर एंड ऋतुराज गायकवाड़। अब बचा दो बैटिंग सेक्शन, ये दो बैटिंग सेक्शन पर हम लोग क्या करने वाले, ये दो बैटिंग सेक्शन पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ से भेंडर दूसन को उठाएंगे, आर भेंडर दूसन, ठीक है। अब बचा लास्ट एक स्पॉट, इसको हम लोग क्या करेंगे, विकेट कीपर में शिफ्ट करेंगे और यहाँ पर हम लोग ले लेंगे ऋषभ पंत। ये होने वाला है हम लोगों का स्मॉल लीग का टीम। अभी हम लोग रेडी करेंगे ऑलराउंडर सेक्शन पर प्रिटोरियस, परनेल, यहाँ से आपको देखना मिल जाए हार्दिक पांड्या, और यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा अक्षर पटेल। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ, अगर इंडिया पहले बैटिंग करेगा तो 100% विनिंग में कर पाऊँगा, और अगर पहले बैटिंग साउथ अफ्रीका करेगा तो थोड़ा सा रिस्की बन जाएगा, ठीक है। तो अभी जो ये जो ऑलराउंडर सेक्शन है, ऑलराउंडर सेक्शन पर हम लोग क्या करेंगे, प्रिटोरियस को लेंगे, हार्दिक पांड्या को लेंगे, यही दो। तो ये रहा डी प्रिटोरियस और ये रहा अपना हार्दिक पांड्या। अब बचा चार बॉलिंग सेक्शन पर इस बार क्या करने वाले, नोटजी को एक उठाएंगे और यहाँ से हम लोग उठाएंगे रबाडाओ, नोटजी एंड रबाडा दोनों, ए नोटजी एंड ए रबाडा, हो गया। अब बचा दो बॉलिंग सेक्शन पर हम लोग सरपर से आवेश खान एंड हर्षल पटेल को उठाएंगे। आप अगर चाहो तो चहल को भी ले सकते हो इस जगह पर, लेकिन अभी के लिए मैं चहल को नहीं, आवेश खान एंड हर्षल पटेल को ही लेके जाना ज़्यादा पसंद करूँगा। आवेश खान एंड हर्षल पटेल, ये होने वाला है हम लोगों का स्मॉल लीग का टीम। अब स्मॉल लीग का टीम पर कैप्टन वाइस कैप्टनशिप किसको देने वाला हूँ, अगर इंडिया पहले बैटिंग करेगा, ठीक है, तो हम लोगों का कैप्टन होगा हार्दिक पांड्या और वाइस कैप्टनसी होगा अपना डिकॉक, ठीक है। और अगर ये ऐसा नहीं होता है, साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग कर लेता है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, उसके साथ साथ फर्स्ट कमेंट पर मिल जाएगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ टेलीग्राम पर ज्वाइन करना पड़ेगा, अगर स्क्वाड में कोई भी चेंजेस हुआ और अगर साउथ अफ्रीका पहले बॉलिंग करने के बजाय बैटिंग करने लग जाए तो टीम में चेंजेस आएगा। ये जो टीम है स्मॉल लीग का, इस टीम में चेंजेस आएगा, और चेंजेस आकर क्या होने वाला है फाइनल टीम, उस फाइनल टीम के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। और ज्वाइन करने से पहले और एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप फैंटेसी पर बहुत सारे लॉस पर हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा चॉइस 11 एंड विजन 11,
ये दो एप्लीकेशन जबरदस्त विनिंग करवाता है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। देर नहीं करती है, फटाफट चॉइस 11 एंड विजन 11 को डाउनलोड कर लेना। रीजन मैं बता देता हूँ, यहाँ पर है लो कंपटीशन, यहाँ पर है लो एंट्री फीस, और सबसे जो बड़ी बात है यहाँ पर क्रेडिट का कोई भी चक्कर नहीं है कि क्रेडिट का प्रॉब्लम हो रहा है इस वजह से आपका टीम रेडी नहीं हो पा रहा। तो क्रेडिट का अगर प्रॉब्लम नहीं होगा तो आप अपना टीम जो है आसानी से रेडी कर पाओगे, और अगर आपका टीम आसानी से रेडी होता है तो आपका विनिंग भी आसानी से होगा। तो देर ना करते हो, फटाफट डिस्क्रिप्शन से जाकर आपको क्या करना है, चॉइस 11 एंड विजन 11 को डाउनलोड कर लेना है। अगर आपके पास विजन 11 है तो चॉइस 11 को डाउनलोड कर लो, अगर आपके पास चॉइस 11 है तो विजन 11 को डाउनलोड कर लो, और अगर आपके पास दो ही है तो भी बेहतर है, और अगर आपके पास दो नहीं है तो दो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो चलो अभी हम लोग ग्रैंड लीग की तरफ बढ़ेंगे। ग्रैंड लीग के लिए हम लोग क्या रेडी करेंगे, ग्रैंड लीग पर हम लोगों का विकेट कीपर रहेगा क्वाइन डिकॉक। अभी हम लोग रेडी करेंगे बैटिंग सेक्शन। बैटिंग में कौन कौन है, चार बैटिंग है, ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, और इधर से आपको देखने को मिल जाएगा टीम बाबू, मार्वेंडर दूसरे, डेविड मिलर। तो तीन तीन छह बैट्समैन है, छह बैट्समैन में से हम लोगों को चार उठाना है। अब चार बैट्समैन कैसे उठाएंगे हम लोग बता देते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इस बार ईशान किशन को छोड़ेंगे, सिर्फ ऋतुराज गायकवाड़ और श्रेयस अय्यर को उठाएंगे। श्रेयस अय्यर, ऋतुराज गायकवाड़, अब बचाइए दो, यानी कि क्या दो, अरे भाई ये जो दो बैटिंग सेक्शन है, ये दो बैटिंग सेक्शन हम लोग इधर से चूज करेंगे, और इधर से चूज करने के लिए टीम बाबूमा रहेगा एक और भेंडर दूसेन रहेगा एक। टीम बाबूमा और आर भेंडर दूसेन, आर वी डी, ठीक है, आर भेंडर दूसेन, ये होने वाला हम लोगों का दूसरा टीम। अब बचा ऑलराउंडर सेक्शन। ऑलराउंडर सेक्शन पर हम लोग क्या करेंगे, ऑलराउंडर सेक्शन पर हम लोग लेंगे हार्दिक पांड्या एंड अक्षर पटेल। हार्दिक पांड्या एंड अक्षर पटेल, क्यों, मैं रीजन बता देता हूँ। ये जो पिच है बॉलिंग फेवर में जाएगा तो विकेट गिरेगा, तो हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल का बैटिंग ऑर्डर आएगा। तो अगर हार्दिक पांड्या और अपना अक्षर पटेल का बैटिंग ऑर्डर आएगा तो वो लोग खेलेगा, और खेलेगा तो पॉइंट देगा, पॉइंट देगा तो ड्रीम टीम का प्लेयर बनेगा। तो इसीलिए हमने हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल को उठाया, अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है तो। अब बचा बॉलिंग सेक्शन। बॉलिंग सेक्शन पर क्या करेंगे, बॉलिंग सेक्शन बहुत ही सिंपल सा होने वाला है हम लोगों का। नोरजी को रखेंगे, रबाडा को रखेंगे, और यहाँ से हम लोग के महाराज को रखेंगे। ये रहा ए नोरजी, अपना रहेगा के राबाड़ा, दूसरा रहेगा अपना के महाराज, के महाराज। अब बचा लास्ट एक बॉलिंग सेक्शन। लास्ट एक बॉलिंग सेक्शन पर हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भुवनेश्वर कुमार को ट्राई करेंगे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भुवनेश्वर कुमार को ट्राई करेंगे। आप अगर चाहो तो ये भुवनेश्वर कुमार की जगह पर यह युवेंद्र चहल को भी ले सकते हो, वाई चहल, चॉइस अपना है, आप चूज कर सकते हो। और फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, जहां पर हम लोग हर रोज अल्ट्रा क्लीन स्वीप विनिंग करते हैं। तो अगर आपको भी अल्ट्रा क्लीन स्वीप विन करना है, सिर्फ ये इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका में ही नहीं, हर एक मैच पे, वेस्ट इंडीज श्रीलंका में, वेस्ट इंडीज पाकिस्तान में, श्रीलंका बंगला ऑस्ट्रेलिया में, और T10 में वगैरह वगैरह जो भी मैचेस हो रहा है सब में हम लोग क्लीन स्वीप मार रहे हैं। देर ना करते हो, फटाफट जाकर डिस्क्रिप्शन से जाकर पहला लिंक से आप ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल, जहां पर आपको आसानी से विनिंग मिलेगा। और अगर डिस्क्रिप्शन का लिंक काम नहीं करता है तो फर्स्ट कमेंट पर भी मैं लिंक देकर रखूंगा। तो देर ना करते फटाफट जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। तो अभी हम लोग बढ़ेंगे दूसरे टीम की तरफ। दूसरा टीम पर हम लोग क्या करेंगे, क्वाइन डिकॉक को छोड़ेंगे। ये जो टीम बनाया साउथ अफ्रीका का फेवर में बनाया ये दो टीम, अब जो दो टीम बनाएंगे वो हम लोग इंडिया के फेवर में बनाएंगे। तो इंडिया के फेवर में बनाने के लिए हम लोगों को डिकॉक को छोड़ना पड़ेगा, और यहाँ से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऋषभ पंत को उठाना पड़ेगा। तो ये हो गया अपना ऋषभ पंत। अब बचा चार बॉलिंग सेक्शन, सॉरी चार बैटिंग सेक्शन। चार बैटिंग सेक्शन पर हम लोग क्या करेंगे, डेविड मिलर को उठाएंगे, डेविड मिलर, और दूसरा जो है दूसरा हम लोग किसको उठाएंगे, दूसरा भेंडर दूसेन, आर वी डी, आर भेंडर दूसेन हो गया। अब बचा दो बैटिंग सेक्शन। तो दोस्तों ये जो दो बैटिंग सेक्शन है यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऋतुराज गायकवाड़ एंड ईशान किशन, ये दो को उठाएंगे। ये रहा ऋतुराज गायकवाड़ और ये रहा ईशान किशन, ठीक है, क्लियर, आसानी से क्लियर हो गया। अब बचा अपना ऑलराउंडर सेक्शन। ऑलराउंडर पर हम लोग क्या करेंगे, हार्दिक पांड्या को भी नहीं लेंगे, यहाँ से अक्षर पटेल को भी नहीं लेंगे, ऑलराउंडर पर हम लोग ले लेंगे डी प्रिटोरियस और उसके साथ डब्लू परनेल को। तो ये हो गया अपना डी प्रिटोरियस और हो गया परनेल, ये हो गया परनेल। अब बचा चार बॉलिंग सेक्शन। चार बॉलिंग सेक्शन पर हम लोग क्या करने वाले, चार बॉलिंग सेक्शन पर हम लोग करेंगे, यहाँ से लेंगे आवेश खान, भुवनेश्वर कुमार और हर्षल पटेल। ये हो गया अपना आवेश खान, भुवनेश्वर कुमार और ये हो गया आवेश हर्षल पटेल होगा सॉरी यह हो गया हर्षल पटेल।
तीन बॉलर ले लिया, अब बचा लास्ट बॉलिंग। लास्ट बॉलिंग पर हम लोग क्या करेंगे, लास्ट बॉलिंग पर हम लोग यहाँ से सिर्फ और सिर्फ टी शमसी को उठाएंगे। ये हो गया अपना टी शमसी, पहला टीम, दूसरा टीम, तीसरा टीम, तीनों के तीनों टीम खत्म हो गया। अगर आप लोगों को ये प्रिडिक्शन समझने में कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगा इंस्टाग्राम का लिंक, जहां पर जाके आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। जो भी आपका प्रॉब्लम है ये फैंटेसी से रिलेटेड, वो आपका प्रॉब्लम मैं एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सकेगा आपको मैं रिप्लाई करूंगा। तो देर ना करते फटाफट जाकर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, और उसके साथ साथ क्या करना है पता है ना, जो भी क्वेश्चन है आपको पूछ लेना। अब हम लोग रेडी करेंगे चौथा टीम, चौथा टीम पर भी हम लोग ऋषभ पंत ही रखेंगे। अब बचा चार बैटिंग सेक्शन, चार बैटिंग सेक्शन पर हम लोग इस बार सिर्फ और सिर्फ डेविड मिलर रखेंगे। ये हो गया डेविड मिलर। अब बचा तीन बैटिंग सेक्शन, तीन बैटिंग सेक्शन पर हम लोग यहाँ से ऋतुराज गायकवाड, ईशान किशन एंड श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर एंड ऋतुराज गायकवाड, तीन बैटिंग ले लिया। अब बचा दो ऑलराउंडर, दो ऑलराउंडर पर हम लोग क्या करेंगे, फिर से डी प्रिटोरियस के साथ परनेल रखा है, इस बार डी प्रिटोरियस के साथ टी स्टूब्स रखेंगे। ये हो गया डी प्रिटोरियस और ये हो गया अपना टी स्टूब्स। अब बचा चार बॉलिंग सेक्शन, चार बॉलिंग सेक्शन पर हमने क्या किया, आवेश खान, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल को लिया लास्ट टीम पर। इस बार हम लोग करेंगे आवेश खान, हर्षल पटेल एंड चहल, आवेश खान, हर्षल पटेल एंड चहल, तो भुवनेश्वर कुमार को इस बार छोड़ रहे। तो ये हो गया अपना हर्षल पटेल, आवेश खान, युवेंद्र चहल। अब बचा लास्ट बॉलिंग सेक्शन, लास्ट बॉलिंग सेक्शन पर भी आप अगर चाहो तो यहाँ से कोई किसी एक को ले सकते हो, लेकिन यहाँ से लेने का कोई फायदा नहीं है। हमने यहाँ से डी प्रिटोरियस को लिया और यहाँ से स्टूब्स को लिया, दो हो गया, डेविड मिलर एक, तीन हुआ है। तो एक बॉलर तो हम लोगों को इधर से लेना ही पड़ेगा। तो आप अगर चाहो तो ये बॉलिंग सेक्शन ऑलराउंडर पर शिफ्ट करके परनेल को ले सकते हो, ये रहा डब्लू परनेल। आप अगर चाहो परनेल को नहीं लेना है, बॉलिंग लेना है, तो बॉलिंग पर आप ए नोरजी को ले लो, ए नोरजी। कुछ टीम जो है हम लोगों का इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा, रीजन मैं बता देता हूँ। पहला दो टीम हमने क्या किया, पहला दो टीमों में हम लोग साउथ अफ्रीका को विन करवाया, और लास्ट का दो टीमों में हमने क्या किया, इंडिया को विन करवाया। अब बचा दोनों का इक्वलिटी पर टीम, दोनों का जो इक्वलिटी पर टीम है वो आपको टेलीग्राम पर फाइनल मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो फटाफट देर ना करते हो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टीम प्रोवाइड कर दिया जाएगा, स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग। अभी रहा तो बात यहां पर, टीम तो रेडी कर ली है भाई, कैप्टन वाइस कैप्टन से किसको बनाए, कैप्टन वाइस कैप्टन से अभी बात कर लेते। एक तो होगा सेफ और एक तो होगा रिस्की। सेफ में कौन कौन होने वाला है, डिकॉक, बैंडर दूसन, प्रिटोरियस तीन, यहाँ से आ गया नोट जी एक, चार और कोई नहीं है। तो ये रहा चार अपना कैप्टन वाइस कैप्टनसी का लायक। अब यहाँ से देखेंगे, चार सेफ में ले लिया, अब रिस्की में बता देता हूँ रिस्की कौन कौन होने वाला है। रिस्की में होने वाला है बाबूमा, डेविड मिलर दो, और यहाँ से शमसी एक, तीन। तो तीन रिस्की में आ गया, तो चार और तीन। अब हम लोग इंडिया की तरफ से देखेंगे कौन कौन होने वाला है, ऋतुराज गायकवाड, ईशान किशन दो, श्रेयस अय्यर नहीं दो, और हार्दिक पांड्या तीन, हर्षल पटेल चार, आवेश खान पांच। तो ये हो गया पांच सेप में। अब रिस्की में देखेंगे, रिस्की में कौन कौन आने वाला है, रिस्की में आएगा अपना श्रेयस अय्यर एक, ऋषभ पंत दो, और अगर कोई आता है भुवनेश्वर कुमार एक तीन। तो पाँच और तीन आठ, तो आठ प्लस और इधर से लिया था सात, यानी कि पंद्रह कैप्टन वाइस कैप्टनसी का चॉइस हो रहा है। अगर पंद्रह कैप्टन वाइस कैप्टनसी का चॉइस होता है, हम सोलह पकड़ लेते हैं, सोलह के अगर कैप्टन वाइस कैप्टनसी चॉइस होता है तो आपको टीम रेडी करना पड़ेगा, कितना आठ। अगर आपको आठ टीम रेडी करना पड़ता है तो आठ टीमों में से कैप्टन वाइस कैप्टनसी सोलह ऐसे ही निकल जाएगा। अब आठ टीमों में से हमने यहाँ पर कितना टीम दे दिया, चार टीम दे दिया। एक स्मॉल लीग का है भले, लेकिन स्मॉल लीग का टीम को भी आप ग्रैंड लीग पर ट्राई मार सकते हो। लेकिन हमने कितना टीम दे दिया, चार टीम आपको यहाँ पर दे दिया। बाकी रहा चार टीम, बाकी के जो चार टीम है वो आपको टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो देर ना करते हो फटाफट जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जहां पर फुल एंड फाइनल टीम प्रोवाइड किया जाता है। अभी हम लोग बात करेंगे एक चीज के ऊपर, क्या पता है ये है भाई, अगर आपको फैंटेसी से लॉस कवर करना है तो देर ना करते हो फटाफट जाकर चॉइस 11 एंड विजन 11 को डाउनलोड कर लेना है।
क्योंकि हर रोज यहाँ पर चलता है 2 लाख 3 लाख 5 लाख का गिव अवे, फ्री ऑफ कॉस्ट गिव अवे, यानी कि आप पैसा इन्वेस्ट करो ही मत, ऐसे ही कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लो। अगर आपके पास पैसा नहीं है फिर भी आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। तो देर ना करते हुए फटाफट जाकर क्या करना है, चॉइस 11 एंड विजन 11 को डाउनलोड कर लेना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो फटाफट जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। तो चलो गाइस, तब तक के लिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो पर। और जाते जाते एक ही चीज बोलूंगा कि अभी तक मैंने एक भी बार नहीं बोला कि वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये करो और भी कुछ, लेकिन अब मैं बताऊंगा क्योंकि वीडियो एंड हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता रहता है। तो देर ना करते चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको ऐसा ही वीडियो फिर से चाहिए तो बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ फर्स्ट जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास जाए। तो देर ना करते हुए फटाफट चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो चलो गाइस, तब तक के लिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।